दोस्तों आप देख रहे हैं हीरो की पैशन प्रो BS6 बाइक को जो कि 110 सीसी में आती है और इस बाइक में मात्र 4 चीजों को छोड़ दिया जाए तो ये पूरी बाइक नई है। और आपने भले ही इस बाइक को देख लिया होगा लेकिन आप जब तक 4 चीजों के बारे में गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तब तक मैं आपको इस बाइक के बारे में पूरी जानकारी देता हूं कि इसमें नया आपको क्या मिल रहा है, क्या नए फीचर्स मिल रहे हैं, साथ में BS6 में इसकी प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, मैं आपको इस बाइक के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। साथ में उन 4 चीजों के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। दोस्तों तो अब मैं आपको फ्रंट से दिखा रहा हूं हीरो की पैशन प्रो BS6 बाइक जो कि 110 सीसी की है। अगर आप फ्रंट से इसको देखेंगे तो इसमें आपको नई हेडलाइट मिल रही है, नया वाइजर मिल रहा है, विंड स्क्रीन नहीं मिल रही है, पूरा आगे से बिल्कुल नया मॉडल मिल रहा है जो कि देखने में आपको ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि ये बाइक 125 सीसी की बाइक है। मैं आपको पास से दिखाना चाहूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं हीरो का 3D लोगो है, ये विंड स्क्रीन चेंज है, ये वाइजर चेंज है, दोस्तों नई हेडलाइट है, ये सारे मॉडल जो भी हैं सारी चीजें इसमें नई लगाई गई है। हेडलाइट को थोड़ा सा बड़ा किया गया है जिससे अच्छी रोशनी दे सके ये। और यहां पर आप देखेंगे दो पट्टियां जो बनी हुई हैं ये और भी ज्यादा आकर्षक बना रही हैं इस बाइक को। साथ में इसमें नया इंडिकेटर लगाया गया है दोस्तों जो कि फ्लेक्सिबल है, पहले से बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है जिससे ये टूटे ना, और साथ में इसका डिजाइन भी चेंज कर दिया गया है। तो आगे देखा जाए तो इसकी डिटेलिंग पर काफी काम किया गया है। और अगर आप मडगार्ड को देखेंगे दोस्तों तो ये बाइक बिल्कुल नए मडगार्ड के साथ आ रही है। और अब आप साइड से देख रहे हैं हीरो पैशन प्रो BS6 बाइक को। अब मैं आपको उन 4 चीजों के बारे में बता दूं जिनके बारे में आपको शुरू में बता रहा था कि 4 चीजों को छोड़ दिया जाए। तो सबसे पहली चीज जो इस बाइक में है वो है इसका नाम। सिर्फ इसका नाम आपको पुराना लगेगा जो कि है पैशन प्रो। पैशन प्रो के नाम से ये बाइक पहले से बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए कंपनी ने इसका नाम अभी चेंज नहीं किया है। इसलिए एक चीज तो ये हो गई दोस्तों। और दूसरी चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसका अगर आप हैंडल देखेंगे तो हैंडल इसमें वही लगाया गया है जो पहले मॉडल का था, और ये हैंडल वही है। चाबी अगर आप देखेंगे तो ये वही है। 3 चीजें ये हो गई। अगर आप फुटरेस्ट देखेंगे तो इसका थोड़ा सा मॉडल अभी ये पुराना ही है। तो इन 4 चीजों को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरी बाइक में आप कोई भी पार्ट देखेंगे बिल्कुल नई बाइक है। मैं आपको एक एक चीजें इस बाइक के बारे में बताने वाला हूं बहुत ही ज्यादा डिटेल से, जिससे आपको इस बाइक के बारे में पता चल पाए और अगर आप खरीदने वाले हैं तो आप घर बैठे ही मन बना सकें इस बाइक के बारे में। दोस्तों तो आप साइड से देख रहे हैं यहां पर पैशन जो लिखा हुआ है इसका फॉन्ट चेंज कर दिया गया है, ये बिल्कुल नए फॉन्ट में लिखा गया है। और ये काउल काफी बड़ा लगाया गया है, अगर आप इसको इधर से देखेंगे तो काफी बड़ा, और इसी की वजह से ये बाइक बहुत ही ज्यादा मस्कुलर लग रही है। और प्रो इसमें बहुत ही बड़े में लिखा हुआ है। और इसमें और कलर आते हैं, इसके और जो कलर हैं जैसे कि जो व्यक्ति ब्लैक कलर को पसंद करते होंगे उनके लिए तो काफी अच्छी होगी, लेकिन इसका एक येलो कलर आया हुआ है जो कि रेड कलर आया हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा आपको खूबसूरत लगेंगे। तो ये ब्लैक कलर है, पीछे आपको सिल्वर कलर के स्टिकर मिलते हैं, यहां पर हीरो लिखा हुआ है, i3s सिस्टम इसमें, ये i3s सिस्टम के साथ आती है। तो ये सारी चीजें आप साइड से देख सकते हैं। अगर आप दोस्तों इसको पीछे से देखेंगे तो पीछे से बिल्कुल नए मॉडल की बाइक है, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं इसकी जो बैकलाइट का शेप बनाया गया है ये वी आकार में बनाया गया है, जिससे ये बाइक देखने में और ज्यादा खूबसूरत लग रही है इन इंडिकेटर के साथ। और अगर आप पीछे के इंडिकेटर को देखेंगे तो बिल्कुल नए इंडिकेटर इसमें लगाए गए हैं दोस्तों। तो इस हेडलाइट को, इस बैकलाइट को दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये ऊपर तक दी गई है, जिससे इसका लुक थोड़ा सा और ज्यादा उभर के सामने आ रहा है। यहां पर हीरो लिखा हुआ है दोस्तों। यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इस ग्रैब रेल को चेंज किया गया है, थोड़ा सा चौड़ा किया गया है, तो ये डिजाइन में इसके परिवर्तन दिया गया है। यहां पर आप देखेंगे तो ये नए इंडिकेटर आपको मिल रहे हैं। अगर आप साइड से देखेंगे तो पैशन प्रो, और साथ में साइड पैनल पर फ्यूल इंजेक्शन FI लिखा हुआ है, मडगार्ड पर IBS लिखा हुआ है। तो डिजाइन के मामले में काफी अच्छा काम किया है जिससे बाइक मस्कुलर लग सके और यंग जनरेशन को काफी पसंद आ सके, ऐसा हीरो कंपनी ने काम किया है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें आपको नया क्या मिलेगा। तो 4 चीजें तो मैंने आपको बता ही दी है, अब मैं बताता हूं कि आपको इसमें सारी चीजें नई है तो क्या क्या चीजें नई है। सबसे पहले मैं आपको मीटर दिखाना चाहूंगा दोस्तों। ये स्विच नई है क्योंकि इसमें तार चेंज की गई है। ये अगर आप सेल्फ देखेंगे तो ये सेल्फ की स्विच को नए डिजाइन में दिया गया है, इसको डिजाइन चेंज कर दिया गया है, जिससे इसलिए ये नए मॉडल की है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये हेडलाइट, ये इसका जो मीटर है भाई, बार बार हेडलाइट निकलती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। इसका मीटर आपको डिजिटल और एनालॉग मीटर मिलता है जिसमें आपको रियल टाइम माइलेज ये बाइक बताएगी। और अभी इस बाइक में बैटरी का कनेक्शन नहीं हुआ है इसलिए मैं आपको ऑन करके नहीं दिखा सकता हूं, टेस्ट ड्राइव की वीडियो में मैं आपको सारी चीजें दिखा दूंगा। यहां से मुझे दिख रहा है न्यूट्रल की, हाई बीम की, इंडिकेटर की, यहां पर आपको फ्यूल इंजेक्शन की लाइट, यहां पर आपको साइड स्टैंड की लाइट और i3s की लाइट आपको साइड में दी गई है। तो इसमें आपको रियल टाइम माइलेज भी बताएगा, रीसेट करने की बटन यहां पर दी गई है, फ्यूल, और इसमें आपको जैसे कि सर्विस रिमाइंडर, ये
सारी चीजें आपको इस बाइक में मिल जाएंगी। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, ये चाबी तो वही है लेकिन इसका लॉक चेंज कर दिया गया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि ये लॉक का सिस्टम, यहाँ पर पेंच यहाँ पर लगे हुए हैं, साथ में पूरा लॉक सिस्टम ही ये चेंज हो चुका है। तो ये पूरी बाइक बिल्कुल नई है, चेसी इसकी नई है, शॉकर नए हैं, शॉकर पहले से और ज्यादा अच्छे हो गए हैं। लेग गार्ड अगर आप देखेंगे तो ये लेग गार्ड बिल्कुल नए मॉडल का लगाया गया है, क्योंकि आप देखेंगे जैसे आपने अपाचे या और बाइक को पल्सर वल्सर में देखा होगा उस प्रकार का इसमें आपको लेग गार्ड लगाया गया है। तो इसमें अब मैंने आपको बताया कि मीटर, हेडलाइट, मडगार्ड ये सारी चीजें तो नई है। एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसमें पहले मीटर वायर यहां पर थी, इसमें आगे इस पॉकेट या गरारी से चलता था इसका मीटर, तो उसको हटा दिया गया है दोस्तों। अब आपको बार बार गरारी चेंज करवाने की, इस पॉकेट चेंज करवाने की, मीटर वायर केबल इन सारी चीजों को चेंज करवाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है इस बाइक में, और आपको फालतू खर्चा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और यहां पर आप देखेंगे इंजन से चलता है इसका मीटर, जिससे आपका बार बार मीटर खराब नहीं होगा। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज इसमें दी गई है। और एक कमी के लिए आप लोग बहुत ज्यादा शिकायत करते थे कि इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं है, तो इसमें आपको 8018 के आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं। मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, ये इसमें ट्यूबलेस टायर आप देख सकते हैं, ये ट्यूबलेस टायर इसमें आपको मिलने लगे हैं। तो ये काफी खुशी की बात है जो लोग चाहते थे। और साथ में अगर आप इसके सस्पेंशन पर देखेंगे तो आपको रिफ्लेक्टर मिल रहा है, तो ये नई चीज है। पीछे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इसका पीछे का सस्पेंशन भी चेंज कर दिया गया है, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। चैन का जो सिस्टम है, एडजस्टर है, ये सारी चीजें बिल्कुल नई है। ड्रम आपको इसमें बड़ा वाला ड्रम मिल रहा है, जिससे ब्रेकिंग अच्छी लग सके। और सीएट का सिक्योरा जूम इसमें प्लस जूम प्लस है, सीएट का टायर है, जो कि 8018 का आपको इसमें ट्यूबलेस टायर मिलता है। नई चेन कवर मिलती है, नया स्विंग आर्म मिलता है, और जो इसमें कनेक्शन आप वो देखेंगे सिस्टम इसकी बैटरी का, तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों ये यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं आईबीएस सिस्टम के बारे में, कि जब आप पीछे की ब्रेक दबाएंगे तो आगे की लगेगी, क्योंकि इसमें सिस्टम दिया गया है दोस्तों। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें बिल्कुल नया इंजन है। यहां पर आप देखेंगे साइलेंसर, कैटेलिटिक कन्वर्टर वाला आपको साइलेंसर मिल रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल नया साइलेंसर, साइलेंसर का डिजाइन भी चेंज है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहां कैटेलिटिक कन्वर्टर तक ही चेंज है, इसमें पूरा साइलेंसर चेंज है। यहां पर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन सेंसर इसमें हेड पर मिल रहा है, ऐसा नहीं कि इसके साइलेंसर पर मिल रहा है, इसके हेड पर लगाया गया है, जिससे आप साइलेंसर को निकालेंगे तो आपको ऑक्सीजन सेंसर खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उससे भी बड़ा बदलाव मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसमें। अभी तक मैंने जो इनकी फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक दिखाई है, उससे बिल्कुल नया फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसमें आपको मिलता है, जिसमें आपको स्लाइड यहां पर मिल रही है, नया इसमें आपको सेल्फ मिल रहा है, और ये पूरा इंजन इसमें नया लगाया गया है, जिसमें आपको ये ऑयल फिल्टर का सिस्टम मिल रहा है। यहां पर आप ऑयल लेवल चेक कर सकते हैं, और ये सारी चीजें बिल्कुल इस बाइक में नहीं है। किक भी नए डिजाइन में दी गई है इस बाइक में, और यहां पर प्रोग्रामेड एफआई में लिखा हुआ है। उधर से मैं आपको इस बाइक को दिखाना चाहूंगा दोस्तों, आप यहां पर देखेंगे इस बाइक में तो आप ये स्टैंड देखेंगे, बिल्कुल नए डिजाइन में स्टैंड दिया गया है। ये जो फुटरेस्ट थी इसको, ये सारी चीजों को नया किया गया है। यहां पर ये सेंसर लगा हुआ है, और अगर आप इसके डबल स्टैंड को देखेंगे तो इसका डिजाइन बिल्कुल नया चेंज करके दे दिया है कंपनी ने। ये चैन कवर बिल्कुल नई है, साइड पैनल अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल नया है, सारी चीजें इसमें ढकी हुई है, जिससे इस बाइक में कहीं कुछ भी दिखाई न पड़े। तो ये सिस्टम जो किया है कंपनी ने, मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा इसमें आपको सिस्टम मिल रहा है। और इसी समय अगर मैं इंजन की बात करूं दोस्तों, तो इसमें 110 सीसी का इंजन मिलता है, जिसमें आपको 9% ज्यादा पावर मिलती है पहले के मुकाबले, 22% ज्यादा आपको टॉर्क मिलती है इस बाइक में, 9 bhp की पावर मिलेगी 7500 आरपीएम पर इस बाइक में, 9.89 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलेगी 5500 आरपीएम पर। और अगर हम इसके सस्पेंशन की बात करें दोस्तों, तो आगे का सस्पेंशन पहले से 14% ज्यादा बेटर हो गया है, पीछे वाला 10% ज्यादा बेटर हो गया है, और इसमें 9% आपको ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। तो चाहे आप इसको गड्ढों में चलाएं, पहाड़ों पर चलाएं, कहीं भी चलाएंगे आपको, तो ग्राउंड क्लियरेंस की कोई भी समस्या इस बाइक में नहीं होने वाली है। अगर मैं इस बाइक की माइलेज की बात करूं दोस्तों, तो इसमें आपको लगभग 60 से 70 तक की माइलेज मिलेगी, क्योंकि जब ये BS4 थी तो लगभग 60 तक की माइलेज देती थी, लेकिन अब ये बाइक आपको लगभग 60 से 65 70 तक की माइलेज ये बाइक आपको दे सकती है। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं दोस्तों, तो अभी मुझे इसकी प्राइस कंफर्म नहीं हो पाई है अयोध्या की। दिल्ली की तो लगभग 65,000 एक शोरूम प्राइस है, मुझे दिल्ली का अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अभी मुझे कंफर्म प्राइस नहीं पता चल पाई है। और अगर मुझे, मैं अभी नीचे जाके पता करूंगा, अगर मुझे पता चल जाएगा तो सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा, अगर लिखा हुआ आ रहा है तो आप लोग समझ लें, नहीं तो मैं आपको अगली टेस्ट ड्राइव की वीडियो में इस बाइक के प्राइस के बारे में जरूर बता दूंगा।
तो अगर इसके मॉडल और डिजाइन की बात की जाए तो काफी बेहतरीन डिजाइन बनाया गया है। आप लोगों को कैसा लग रहा है इसका मॉडल और डिजाइन, आप लोग इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। एक चीज मैंने आपको नहीं दिखाई है, इसकी सीट खोल के मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसकी सीट में क्या फर्क दिया गया है पहले से। तो पहले आप देखेंगे सीट का डिजाइन ही बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, और मैं इसको खोलना चाहूंगा। खोलने के लिए लॉक का सिस्टम यहाँ पर बिल्कुल अलग कर दिया गया है। ये देखेंगे सीट खुल गई है, और ये देखेंगे ये बिल्कुल नया डिजाइन दिया गया है। और इसकी बैकलाइट जो है वो इसमें आपको बल्ब वाली बैकलाइट मिलती है, लेकिन अगर आप इधर से देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपको एलईडी वाली लाइट इसमें मिल रही है। तो इसमें लेकिन बैकलाइट आपको बल्ब वाली मिल रही है। यहाँ पर ये फिल्टर बॉक्स है, ये कनेक्ट करने के लिए है कंप्यूटर से। यहाँ पर आप टूल बॉक्स सारी चीजें इसमें रख सकते हैं, तो ये काफी वीआईपी व्यवस्था दी गई है इसमें। अब मैंने तो आपको सारी चीजें बता दी है पैशन प्रो BS6 के बारे में, जो भी चीजें नई थी पूरी डिटेल में हर एक चीज की जानकारी आपको दे दी है दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो, क्योंकि मैं धूप में वीडियो बना रहा हूँ, कभी कभी क्योंकि एक ही सांस में बोलना होता है, तो आप लोग कहते हैं भाई थोड़ा हड़बड़ाया मत करो, रुक जाओ। दोस्तों मैं चाहता हूँ एक ही बार में वीडियो बनाऊँ, जिससे आप लोगों को पता चले कि हाँ भाई अच्छा भी लगे आप लोगों को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरी कोशिश पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे इस चैनल के बारे में, क्योंकि हम एक से एक बढ़िया वीडियो लेकर आते रहते हैं बाइक से संबंधित। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, बाइक पॉइंट पर आने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, हमारी वीडियो को लाइक करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।